ये जो हम कट देख रहे हैं, ये जो हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, आप क्या राय देंगे, इसको हम कैसे नेविगेट करें? क्या अब ध्यान धीरे धीरे खरीदारी सिप के रूट से करें? आपके बहुत सारे एएमसी के जाने माने फंड्स हैं जहां पर लंबी अवधि में 20, 22, 25% सालाना रिटर्न कमाया है लोगों ने, उनके लिए कोई स्ट्रेटजी सेट कीजिए जो बाजार में आज कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बाजार में अभी नए आए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टिंग जो है पर्टिकुलरली थ्रू द सिप इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग फॉर द पीपल जिनको बाजार की उतनी समझ नहीं है, जितने फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या बात। जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, मतलब प्रोफेशनल्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, उनको देखिए ये बाजार जो है बहुत कॉम्प्लेक्स ही है। इतना बहुत सिंपल है लेकिन इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। मतलब कल हम मेरे को इतना बड़ा झटका लगा कि मैं भी रात को 12 बजे तक, मतलब जब तक सिगरेट सो के उठा नहीं तब तक मेरे को लगता है कि मतलब किसी ने जोर से तमाचा लगा। तो ये बाजार जो है ना आपको खाता है, मतलब आप सोए रहो तो झकझोर करेगा वो। इसमें क्या है, जो जितने लोग नया लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत सही है पैसे बनाने तरीके कि आप अपना सिप करिए, और खासकर क्या है, खराब टाइम में सिप जरूर करिए। जो अभी जो बाजार गिरा हुआ है इसमें आप ये ना सोचे कि मैं बंद करूं क्या, तो जो चालू किया हुआ है वो सब सिप आपने शायद ऊपर में ना किया हो लेकिन नीचे में तो पक्का सिप करिए आप। बिल्कुल। तो दैट इज वन मैसेज टू द पीपल हु हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिंग। सेकंड, फॉर द पीपल हु आर कमिंग न्यू वन, दे डोंट हैव टू रीथिंक एट ऑल, बिकॉज सिप का मतलब क्या है, आपको मार्केट से मतलब ही नहीं है। आप बिकॉज आप खराब बाजार चालू करोगे आगे अच्छा मिलेगा, अच्छे बाजार चालू करोगे आपको खराब मिलेगा, क्योंकि आपका 15-20 साल के जो 25-30 साल की जो जर्नी है अगले सिप में, उसमें हर तरह का उतार चढ़ाव आएगा। तो आपको इसमें ये इतना बढ़िया चीज है कि ये पूरे दुनिया में इतना जोर से नहीं हुआ जितना बड़ा रेवोल्यूशन इंडिया में हो रहा है। और उसी कारण जितने जो रिटेल वाले जो आ रहे हैं वो बहुत पैसे कमाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, जितना पैसा वो लोग कमाएंगे कोई नहीं कमाने, हमारे जैसे उस्ताद भी पैसा नहीं कमाने वाले, क्योंकि ये जो है जो छोटा छोटा अमाउंट 2,000, 5,000, 10,000 हर महीने डालते हो आप, तो आपको 20-30 साल तक करो तो अब्जोपति बन जाओगे। जो ऑर्डिनरी वर्कर है, कोई कुक है या कोई सिप का ग्राफिक दिखा दो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है सिप से लगे रहें और बाजार के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। चाहे आप पुराने हो चाहे नए हो, दिस इज द ग्रेट टाइम टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोरियस जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन स्टॉक मार्केट। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.